जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने लोकल बॉडीज विभाग के डायरेक्टर ऑफिस को लेटर लिखकर कहा है कि सूर्य इनक्लेव एक्सटेंशन को दमोरिया पुल से जोड़ने वाली 120 फुटी रोड से कब्जा ना हटने के कारण लोग उपभोक्ता आयोग में केस कर रहे हैं, जिससे प्लाटों की कीमत ब्याज सहित लोगों को रिफंड की जा रही है। इससे जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट का वित्तीय नुकसान हो रहा है, इसलिए काजी मंडी के कब्जे शिफ्ट करने के लिए जो उन्हें 1.5 से 2 मरले के प्लाट देने हैं, इस प्रोजेक्ट की ड्राइंग को मंजूरी दें। ये लेटर जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने 27 मार्च को लिखा है, जिसका जवाब आना बाकी है। प्रधान सूर्य अंकलेव एक्सटेंशन जालंधर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जी स्कीम इन्होंने 2011 में लॉन्च की थी और बाद 2016 में रीलॉन्च की थी। उसके प्लाट 100 गज का मैं अलॉटी है वा, वो स्कीम अजे तक भी डोल ड्रम चाहिए है, वह विकास कोई नहीं होया। असं चाहते हैं कि यदा विकास करवाया जाए और रेलवे स्टेशन की सैकंड एंट्री जी जितों निकलनी सी दमोरिया पुल के कोलों, वह भी अज तक कोई विकास नहीं होया। ना रेलवे जमीन ट्रांसफर की गई अज तक की है, ना कोई गजट नोटिफिकेशन हुई है। और मोर ओवर दमोरिया पुल तो 45 फुट रोड निकलती है जी सी ब्लॉक में जाती है, उत्थे लगभग कोई 150 घर है जिन्होंने के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधीन मुड़ बसेवा करके प्लाट देने सन 2-2 मरले के या 1.5-1.5 मरले के। उस सरकार ने भी अज तक कोई गजट नोटिफिकेशन नहीं की।